डॉक्टर वाई एस परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी में राज्य वन विकास निगम के अधिकारियों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। विश्वविद्यालय के वन उत्पाद विभाग में आयोजित इस प्रशिक्षण शिविर के दौरान निगम के अधिकारियों को चीड़ के पेड़ों से बिरोजा निकालने की नवीनतम तकनीक के बारे में जानकारी दी गयी। डॉक्टर वाई एस परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी में राज्य वन विकास निगम के अधिकारियों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। विश्वविद्यालय के वन उत्पाद विभाग में आयोजित इस प्रशिक्षण शिविर के दौरान निगम अधिकारियों को चीड़ के पेड़ों से बिरोजा निकालने की नवीनतम तकनीक के बारे में जानकारी दी गई। इस मौके पर राज्य वन विकास निगम के प्रबंध निदेशक बीडी सवाल, निदेशक के कटैक सहित 30 प्रभागी प्रबंधकों और सहायक प्रबंधकों ने भाग लिया। प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों को वन उत्पाद विभाग के वनों में ले जाकर बोर होल तकनीक के बारे में व्यापारिक तौर पर अवगत करवाया गया। आपको बता दें कि विश्वविद्यालय के वन उत्पाद विभाग द्वारा करीब 15 सालों से इस तकनीक में शोध किया गया है और इसे काफी अच्छे परिणाम भी देखने को मिले हैं। वहीं इस तकनीक के बारे में बारीकी से जानकारी हासिल करने के बाद राज्य वन विकास निगम के प्रबंध निदेशक बीडी सवाल ने इस तकनीक को वन विभाग के लिए काफी उपयोगी बताया। प्रबंध निदेशक ने कहा कि बिरोजा निकालने के लिए जहां शुरुआती समय में निगम द्वारा कप एंड लिप मेथड से होता था, इससे पेड़ों में गाव हो जाते थे और हमारे पेड़ डैमेज हो जाते थे और उसके बाद हमने नौणी विश्वविद्यालय की दूसरी विधि रिल मेथड को अपनाया जो पूरे प्रदेश में लागू हो गया था। अब हमें रेजिन की यील्ड को बढ़ाना और इसके लिए हमने नौणी विश्वविद्यालय द्वारा इजाद की गई बोर होल तकनीक में काफी बड़ा स्कोप नजर आ रहा है और आने वाले दिनों में हम इस तकनीक के लिए अपने स्टाफ प्रशिक्षित करेंगे और साथ ही ठेकेदारों को भी इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा। हमको इस वक्त जो कॉरपोरेशन की जो जरूरत है वो यह है कि रेजिन किसी न किसी तरीके से हमने इसकी यील्ड को बढ़ाना है, तो हम यूनिवर्सिटी के साथ में हमने बातचीत की तो यूनिवर्सिटी के पास एक बोर होल मेथड की टेक्निक है, ये एक लेटेस्ट टेक्निक है जिसमें पेड़ों में डैमेज कम होता है और बहुत छोटे पेड़ों को भी रेजिन टैपिंग के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। तो इसमें काफ़ी बड़ा स्कोप है। हम चाह रहे हैं आने वाले समय में, अगले 2-3 सालों में, अगर ये मेथड हमको भा जाती है और हम इसकी यील्ड कैलकुलेशन वगैरह करेंगे और इसका मैनुअल विकसित करेंगे, स्टाफ को इसमें ट्रेन करेंगे, लेबर को ट्रेन करेंगे, जो ठेकेदार हैं उनको भी हम ट्रेनिंग देंगे, डॉक्टर साहब से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इस बात की ट्रेनिंग दें। उसके बाद हमने एक हमारे मंत्री महोदय ने ये निर्णय लिया है कि कुछ चीज़ ऐसी की जाए जिससे पर्यावरण को और वनों को कम से कम नुकसान हो और कॉरपोरेशन की जो रेजिन की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो जाए। तो इस सिलसिले में आज पहला यहाँ पर हम ट्रेनिंग वर्कशॉप करवा रहे हैं जिसमें हमारे डिविजनल मैनेजर्स जो फील्ड में काम करते हैं रेजिन टैपिंग के क्षेत्रों में, उनको हमने यहाँ बुलाया गया है और डॉक्टर साहब हमारे एक्सपर्ट हैं यहाँ पर जो हमको इस बात की जानकारी दे।